नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। क्या कवि और लेखकों को कुछ भी लिखने और बोलने की छूट है? क्या उनकी वाणी पर कोई सेंसर नहीं लगा सकता? क्योंकि हम जिस कवि की बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही लिख और बोल रहे हैं। राष्ट्र कवि इस कदर हो गए कि उनकी वाणी पर थोड़ा भी नियंत्रण नहीं है। वो कवि कौन है और किस बयान से सुर्खियों में है, विस्तार से बात करेंगे। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले की, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस कवि की जिसकी वाणी पर कोई लगाम नहीं है। कहा जाता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, मतलब जहां कोई नहीं पहुंचे वहां पर कभी पहुंच जाता है। तो क्या कवियों की कोई सीमा नहीं है? इन्हीं कवियों में से एक नए राष्ट्रवादी कवि का उदय हुआ है। इस राष्ट्रवादी कवि का नाम है मनोज शुक्ला मुंतशिर, जिनके नाम को आपने सुना ही होगा। ये जनाब भारतीय कवि के साथ साथ गीतकार भी हैं, पटकथा लेखक भी हैं। मनोज मुंतशिर के बयान विवादों में ही रहते हैं। एक बार फिर मनोज मुंतशिर का बयान चर्चाओं में है। दरअसल मनोज मुंतशिर भोपाल के गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, तो पहले उन्होंने भोपाल के नवाब पर जमकर भड़ास निकाली। उसके बाद मनोज मुंतशिर संसद का बहिष्कार करने वाले नेताओं पर इस कदर बरसे कि वो अपनी सीमा ही भूल गए। जरा गौर से सुनिए। हम सबने टेलीविजन पर देखा मुख्यमंत्री जी, इतना भव्य, इतना आकर्षक, इतना विशाल, तीन बड़े बड़े द्वार, क्या अद्भुत भवन का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ महानुभाव जिनको आपत्ति है, कहते भाई गलत बनवा दिया, क्यों बनवा दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सुने और उनको संसद भवन में बैठने के कष्ट से सदैव दूर रखें। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो तो परंपराओं पर चलने वाले हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा सम्मान है उनकी नजर में। तो हमने ये देखा कि उन्होंने संसद भवन का निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर कराया है, पूरा ध्यान रखा गया है वास्तुशास्त्र का। और हुआ क्या, लोकार्पण के ही दिन, पहले दिन 19 पार्टियों ने अपने ही देश की संसद भवन में जाने से मना कर दिया, अपनी ही संसद का बहिष्कार कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है, आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अपने लोकतंत्र का मंदिर, अपने लोकतंत्र का भवन, अपनी संसद का बहिष्कार कौन करता है भाई? ये तो दुश्मनों वाला काम किया आपने। लेकिन हां, इसके साथ यह भी सिद्ध हो गया कि वो जो वास्तुशास्त्र जो मोदी जी ने अप्लाई किया था वो काम कर रहा है, आसुरी शक्तियां संसद भवन से दूर हैं। ऐसा होता है, कवि हो, शायर हो, लेखक हो, वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होता है। मनोज मुंतशिर उसी प्रभाव की धारा में बह गए। अब जरा ऐसा हुआ तो आलोचना भी होनी थी, तो एक बार फिर से मनोज मुंतशिर को सुनिए और उसके जवाब में कांग्रेस ने क्या कटाक्ष किया है यह भी सुनिए। हम सबने टेलीविजन पर देखा मुख्यमंत्री जी, इतना भव्य, इतना आकर्षक, इतना विशाल, तीन बड़े बड़े द्वार, क्या अद्भुत भवन का निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ महानुभाव जिनको आपत्ति है, कहते भाई गलत बनवा दिया, क्यों बनवा दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सुने और उनको संसद भवन में बैठने के कष्ट से सदैव दूर रखें। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो तो परंपराओं पर चलने वाले हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा सम्मान है उनकी नजर में। तो हमने ये देखा कि उन्होंने संसद भवन का निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर कराया है, पूरा ध्यान रखा गया है वास्तुशास्त्र का। और हुआ क्या, लोकार्पण के ही दिन, पहले दिन 19 पार्टियों ने अपने ही देश की संसद भवन में जाने से मना कर दिया, अपनी ही संसद का बहिष्कार कर दिया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है, आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अपने लोकतंत्र का मंदिर, अपने लोकतंत्र का भवन, अपनी संसद का बहिष्कार कौन करता है भाई? ये तो दुश्मनों वाला काम किया आपने। लेकिन हां, इसके साथ यह भी सिद्ध हो गया कि वो जो वास्तुशास्त्र
जो मोदी जी ने अप्लाई किया था वो काम कर रहा है, आसुरी शक्तियां संसद भवन से दूर है। एक विवादित बयान दिया है जिसमें उसका कहना है कि लोकसभा जो नई बनी है, जो संसद भवन बना है, उसमें वास्तु जो मोदी जी ने तैयार करा है उसके चलते असुर पहले ही बाहर हो गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप जैसे दरबारियों की यही पहचान है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक आप लोग गिर सकते हो, और जो विरोध नई संसद भवन का हो रहा है उसमें यह समझने की जरूरत है कि उस समय बना है जब कोरोना से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी, लोग मर रहे थे, और सरकार ने एक अलीशान महल तैयार करने के लिए वो पूरा पैसा वहां 800 करोड़ से ज्यादा दे दिया और लोगों की मदद नहीं करी और लोग मरते रहे। और ये उसी की स्मारक है कि राष्ट्रपति जी जिसका ये अधिकार होता है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आदिवासी हैं, कि ये उद्घाटन उनके माध्यम से होना था, पर हमारे तानाशाह मोदी जी ने उसको उद्घाटन नहीं करने दिया और उनके अधिकार को पूरी तरह से छीन लिया। क्या आदिवासी सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है? क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र कभी बड़े बड़े महलों की पहचान नहीं होता है। लोकतंत्र की पहचान है न्याय और सबको बराबरी का सम्मान देना, जो ये मोदी जी बिल्कुल नहीं दे पा रहे। और आखिरी में मैं मनोज मुंतशिर से ये पूछना चाहूंगा, क्या महाकाल लोक का भी उद्घाटन असुरों ने करा था, जो जिस कारण से सारी मूर्तियां आप खंडित होती चली जा रही हैं? इसका जवाब वो देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक चेतावनी भी देना चाहूंगा, अपनी आदतों से बाज आइए, नहीं तो अगली बार मध्य प्रदेश आएंगे तो यूथ कांग्रेस जबरदस्त आपका विरोध करेगी, फिर आप भागते हुए इधर उधर दिखोगे। ऐसा नहीं है कि मनोज मुंतशिर ने पहली बार भोपाल में कोई प्रतिक्रिया दी है। इसके पहले भी जब वो पिछले दिसंबर महीने में भोपाल आए थे तो रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस समय भी एक ऐसा ही बयान उनका सुर्खियों में रहा। मनोज मुंतशिर ने तवांग में भारत चीन के सैनिकों की भिड़ंत के मुद्दे के बीच भारतीय सैनिकों की पिटाई वाले राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी और चाणक्य के एक कथन को कोट करते हुए विवादित टिप्पणी कर दी थी। मनोज मुंतशिर ने चाणक्य का हवाला देते हुए कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम डीएनए में। सुनिए। और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? पिट गए हमारे सैनिक, पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साथियों, प्रॉब्लम डीएनए का है, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं उसका। एक तरफ मेरा और आपका डीएनए है, मेरा और आपका डीएनए हमें क्या सिखाता है? हम तो भारत माता कहते हैं ना, तो जब हमने भारत माता कह दिया तो हमको मां से प्यार करना सीखना थोड़ी है, कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करना है, किसी स्कूल में थोड़ी जाना है कि देखो भारत माता से प्यार कैसे किया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात है और बड़ी बात यह है कि बड़ी ही शालीनता से मनोज मुंतशिर ने मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कही, जिसमें उन्होंने भोपाल का नाम बदलने की मांग भी की। वो चाहते हैं कि भोपाल का नाम बदला जाए। सुनिए। जो तारीख है 1 जून, आज ही के दिन 1949 में भोपाल पर पहली बार तिरंगा फहराया था। लेकिन नवाब साहब, नवाब हमीदुल्ला खान, आपके शहर का इतिहास है, नवाब साहब की जिद थी कि हम तो भोपाल को अपने अंगूठे तले दबा के रहेंगे, हम तो भोपाल को पाकिस्तान से मिला के रहेंगे। और आपके दादा परदादा, आपके बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में शायद नहीं होंगे, उनको क्या लगन थी कि जनगण मन गा के रहेंगे, भोपाल में तिरंगा फहरा के रहेंगे। ये 2023 है, विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, हम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन साथियों त्रेता युग में भगवान राम ने जीवन में मंगल ढूंढ लिया था। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उसके पहले एक प्रार्थना मैं दोहरा के यहां से जाऊंगा। मैं बड़ा अपनापन समझता हूं मुख्यमंत्री जी के साथ, जैसे सब
आपके भांजे भांजियां हैं, वैसे मैं भी हूं, मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी सी है कि हमारे इस अद्भुत अद्वितीय अलौकिक नगर को भोपाल से भोजपाल कर दीजिए, ये नगर सदैव आपका ऋणी रहेगा।